आप सभी का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। टोंक का ये एक पेज है जन सरोकार मंच के नाम से। जी देवेंद्र जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जन सरोकार, तो जन सरोकार से जुड़ी हुई ज्यादा क्रियाकलाप है यहाँ पर, काम है यहाँ पर। आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जन सरोकार मंच टोंक से जिले से जो है, जी वंदना जैन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जन सरोकार मंच की पूरी टीम और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, रामेंद्र कुमार जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरी बात मुझे आगे तक पहुँचाने का मौका दिया। और जन सरोकार मंच की पूरी टीम को बहुत बहुत जी, आपको भी आशीष रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। COVID-19 से ही बात शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ हम, हमारा घर है, आसींद भी है, ब्यावर भी है, ब्यावर में बहुत पाए जा रहे हैं अभी। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना है मेरी कि असल जो कोरोना है वो अब आ रहा है अपना असली रूप लेकर सामने, तो इस समय थोड़ा ध्यान रखें। अत्यंत जरूरी, अत्यंत आवश्यक कोई काम हो तो ही आप बाहर निकलें, अन्यथा नहीं। घर पे रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें। लाइट आ रही है चेहरे पर। जी रामेंद्र जी, आपका आदेश हो तो मैं कविता पाठ शुरू करना चाहती हूँ। और जितने भी मित्र अभी जो जुड़े हुए हैं, जहां से भी मेरे इस कविता के सफर में मेरे साथ जितने भी हैं, तो वो अगर मन हो, मेरा तो निवेदन है, मन हो तो आप इसे शेयर करें ताकि कविता आगे दूर दूर तक जाए। क्योंकि कविता लिखने वाले का तो सिर्फ नाम होता है किसकी, कविता तो सुनने वालों की, कविता पसंद करने वालों की धरोहर होती है। कवि का तो सिर्फ उसमें नाम होता है, वो कविता कवि की नहीं होती है, कविता कवि के लिए नहीं होती है। तो जो इसके असल हकदार हैं, वहां तक इसको पहुंचाने की मैं आपसे निवेदन करती हूँ। जी महेश गुर्जर जी, रामेश्वर चौधरी जी, नमस्कार। मैं चार पंक्तियों से अपना काव्य पाठ शुरू करूंगी। अच्छा, आवाज के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आवाज में कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे समय से बता दीजिएगा, और कविता को खूब शेयर करते रहिएगा और लाइक कमेंट्स बराबर देते रहिएगा। टॉक के मंच में आपका स्वागत है। जी विनोद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद, क्योंकि आप भी इसके हेतु बने हैं। और आप, मैं बहुत लंबे टाइम से विनोद शर्मा जी को देख रही हूँ, मेरे फेसबुक प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं, मेरी लिस्ट से जुड़े हुए हैं, और हम एक बार मिले भी हैं टोंक में। आपका विशेष स्नेह रहता है मुझ पर, मेरे हस्बैंड विश्वास जी शर्मा, और मेरा बहुत भव्य स्वागत भी किया था उस दिन के लिए भी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और आज फिर से, नहीं नहीं रामेंद्र जी, नहीं नहीं आप बिल्कुल आदेश कर सकते हैं। चलिए, सभी दोस्तों से निवेदन है कि आगे से आगे कविता को ले जाया जाए। कि भीतर बहते प्रेम के झरने, तब मैं भाव प्रवीण हूं। भीतर बहते प्रेम के झरने, तब मैं भाव प्रवीण हूं। रोज लिखूं, तलवार बनूं, लोहे का कोई चबी ना हूं। अपने भीतर भावों की जाने कितनी नदियां पाई, अपने भीतर भावों की जाने कितनी नदियां पाई। काव्य सरिताओं का सागर, काव्य सरिताओं का सागर, मैं शारद की वीणा हूं। कि अपने भीतर भावों की जाने कितनी नदियां पाई, काव्य सरिताओं का सागर, मां शारद की वीणा हूं।
भीतर बहते प्रेम के झरने, तब मैं भाव प्रवीणा हूं। जी अब्राहम साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, बहुत शुक्रिया आपका। कैलाश रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवबख्श गुर्जर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रामेश्वर चौधरी जी, महेश गुर्जर जी, रामेंद्र कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से बताई रहिएगा, बताते रहिएगा, और कविता के सफर में आप सभी लोग साथ रहिएगा। बार बार आपसे निवेदन करूंगी। चार पंक्तियां COVID-19 को देती हूँ विदाई के रूप में, कि भाई वो चला जाए और मेरी पंक्तियां लेकर जाए। कि इसी समय पर खा जाएगा दीन है या ईमान है, नाम कोरोना का है मगर संदेश आपके और मेरे लिए। कि इसी समय पर खा जाएगा दीन है या ईमान है, रंक से लेकर राजा तक के खतरे में जब जान है। कि इसी समय पर खा जाएगा दीन है या ईमान है, रंक से लेकर राजा तक के खतरे में जब जान है। आप देखिए कि कलेक्टर, एसडी, एसडीएम, एडीएम सबके पॉजिटिव पाए जाने की खबरें रोज आ रही है हमारे पास, क्योंकि वो तो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मेरी लाडली सोनू चौधरी जी आई हैं, स्वागत करती हूँ सोनू जी आपका। अच्छा, एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी, कि हो सकता है कि आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मुझे दिखाई ना दें, तो बिल्कुल भी ये ना समझें कि आपको मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं दिल से आप सभी लोगों से जुड़ी हुई हूँ, कविता पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं जैसी दिखती हूँ, जैसा मैं लिखती हूँ, मैं वैसी ही हूँ। तो आप सभी मेरे प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। तो अगर कमेंट्स मुझ तक ना पहुँच पाए, मुझे आई है कि कमेंट करने की ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं बस, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और निवेदन है कि मेरे मुझ तक आपकी सब बातें पहुँच रही हैं, तो मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो जो इस समय मुझे देख रहे हैं। कि इसी समय पर खा जाएगा दीन है या ईमान है, रंक से लेकर राजा तक के खतरे में जब जान है। मौत सामने खड़ी है तो हर एक को तय करना होगा, कि मौत सामने खड़ी है तो हर एक को तय करना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है या कि इंसान है। हम कोरोना से प्रभावित हो जाएं तब भी, हम खुद पीड़ित हों तब भी, और हम यदि वॉरियर्स हों तब भी, सबके लिए एक भावना होनी चाहिए हमारे मन में। ये मेरा संदेश है कि मौत सामने खड़ी है तो हर एक को तय करना होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है या कि इंसान है। रंक से लेकर राजा तक के खतरे में जब जान है, तो इसी समय परखा जाएगा दीन है या ईमान है। और चार पंक्तियां फिर देखिएगा। कि तेरे सम्मुख जो भी रोया तूने उसकी आह सुनी, तेरे सम्मुख जो भी रोया तूने उसकी आह सुनी, सकल योग वैसे ही बनाए जैसी जिसकी चाह सुने। ये ईश्वर का एक नियम है, बहुत बड़ी बात है। देखिएगा कि आपने कई जगह सुना होगा, पढ़ा होगा कि ईश्वर ने उसको ऐसा वरदान दिया, वैसा वरदान दिया। ईश्वर ने कभी किसी को वरदान नहीं दिया। जैसा जिसने मांगा कि मुझे ऐसा कर दो, उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो जाए जैसा तुमने कहा। तो ईश्वर का कोई दोष नहीं है, ईश्वर कभी किसी को वरदान देते ही नहीं है, आपको मांगना पड़ता है। सबने मांगा है, मैं अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं मनुष्य के हाथों ना मरूं, पशु के हाथों ना मरूं, उसे स्वयं ने मांगा। तो तेरे सम्मुख जो भी रोया तूने उसकी आह सुनी, उसका काम सिर्फ हमारे निवेदन को सुनना है, और जो हमने मांगा, देखिए उसके साथ में कोइंसिडेंस तो जुड़े ही रहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं उसके साथ में। जो अब जैसे आप छाछ पियेंगे तो उसके साथ जुड़ा हुआ है कि आप कब पियेंगे, उसके हिसाब से वो अपना तासीर उसकी आप पर वर्तन। बहुत ठंड में आपने पी ली है तो आपको बीमार होना है, बहुत गर्मी में आपने पिए तो वो दवा का काम करेगी। उसी तरह से दूध का है, वो हर चीज का है। तो आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक ठीक उसे बताइए, कंफ्यूज मत कीजिए। और मैंने तो मांगा था, तूने दिया, आपको जो मांगा था ना आपने, उसके जो उससे आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, वो गुजरना ही पड़ेगा उससे। तो तेरे सम्मुख जो भी रोया तूने उसकी आह सुनी, सकल योग वैसे ही बनाए जैसी जिसकी चाह सुनी। और तूने कब वरदान दिए, कब किसको शाप दिए दाता, तूने कब वरदान दिए, कब किसको शाप दिए दाता, वैसी मंजिल उसे सौंप दी जिसने जैसी राह चुनी, वैसी मंजिल
उसे सौंप दी कि तूने कब वरदान दिए, कब किसको शाप दिए दाता। आपने देखा होगा कि वरदानों में शाप छुपा छुपा करके दिए हैं ईश्वर ने, क्योंकि दुष्टों ने मांगे और उन्हें पता नहीं था कि इस वरदान में शाप भी है। बलि अवतार लेकर आना पड़ा, नरसिंह अवतार हुआ बलि, कि तूने कब वरदान दिए, कब किसको शाप दिए दाता। वैसी मंजिल उसे सौंप दी जिसने जैसी राह चुनी, और सकल योग वैसे ही बनाए जिसकी जैसी चाह सुनी। क्या बात है। अब इस पे आप लोगों के मुझे बस जुड़े हुए का तो आ रहा है कि मुझे ये लोग देख रहे हैं, विजय सिंह नाहटा जी, सोनू चौधरी जी और 15-20 लोग जुड़े हुए हैं। चलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि मोबाइल के ऊपर मुझे वो दिखता जा रहा है, पॉपअप हो रहा है कि हाँ कुछ लिखा गया है, पर मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ ऐसी सेटिंग होती होगी शायद पेज की, मुझे नहीं पता है कि कमेंट्स, मैंने बोला भी था कि कमेंट्स ओपन रखें, पर फिर भी आप साथ चलते रहिएगा। चार पंक्तियां बेटियों को देना चाहती हूँ, सोनू चौधरी जी सामने हैं, मैं उन्हीं को सौंप रही हूँ, समस्त बेटियों तक पहुंचा देंगी ये जिम्मेदारी देकर, कि मौत की राह पे जीने का सामान जुटा लेती हैं, मौत की राह पे जीने का सामान जुटा लेती हैं, और कठिन राह को खुद ही खुद आसान बना लेती हैं। आपने देखा होगा बेटियों के परवरिश पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है। कहते हैं कि मेरे दादाजी कहते थे कि बेटियां तो बेलड़ी होती हैं, एक छोटा सा तार, एक छोटा सा धागा भी अगर उसके साथ लग जाए तो वो उसके सहारे भी ऊपर चढ़ जाती है, छत तक या किसी पेड़ तक। एक सिर्फ छोटा सा सहारा चाहिए, कि मौत की राह पे जीने का सामान जुटा लेती हैं, और कठिन राह को खुद ही खुद आसान बना लेती हैं। रौंदा जाता है जब जब उसको अपमान के जूतों से, रौंदा जाता है जब जब उसको अपमान के जूतों से, अपने कांधों पर बेटी सम्मान उठा लेती है। ये रौंदा जाता है जब जब उसको अपमान के जूतों से, अपने कांधों पर बेटी सम्मान उठा लेती है, और कठिन राह को खुद ही खुद आसान बना लेती है। उज्ज्वला लोहिया जी, आपका भी स्वागत करती हूँ, आपके कमेंट्स वगैरह मुझ तक पहुंच नहीं रहे हैं तो फिर से क्षमा चाहूंगे आप लोगों से। चार पंक्तियां फिर से देखिए, कि सस्ता ईमा हाथ में तेरे, कुछ लोग हैं ऐसे होते हैं उन तक बात पहुंचेगी, कि सस्ता ईमा तेरे दिल में भी जज्बात नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जज्बातों से बिल्कुल दूर होते हैं। सस्ता ईमा हाथ में तेरे दिल में भी जज्बात नहीं, नाक पे गुस्सा रहता है और धीरज तेरे साथ नहीं, तू बाजार में बैठा है बस बिकने का सामान बना, तू बाजार में बैठा है बस बिकने का सामान बना, खरा जमीरी इंसान होना तेरे बस की बात नहीं, खरा जमीरी इंसान होना तेरे बस की बात नहीं, और सस्ता ईमान हाथ में तेरे दिल में भी जज्बात नहीं। गजल तक आपको ले जाना चाहती हूँ, मेरी पसंद की गजल है, कि देखिए हम सब मांगते हैं किसी ना किसी से, किसी का कोई शक्ति को मानता है, कोई किसी शक्ति को मानता है, कि साजन संग जो आए थे शहनाई लेकर लौट गए। आप जैसे, आपकी संगत जिस तरह की होती है ना, उसके हिसाब से ईश्वर तय कर लेता है कि इसको क्या देना है। जैसा साथ आप लेकर जाएंगे, साधु के साथ जाएंगे तो तय बात है कि उसी तरह का कुछ मिलेगा, और एक दुर्व्यसनी व्यक्ति के साथ जाएंगे तो वैसा ही होगा, आपकी पहचान तक वैसी बन जाती है। कहने का मतलब ये है, तो देखिएगा कि साजन संग जो आए थे शहनाई लेकर लौट गए, जोड़े से गए, अपने अपने जोड़े के साथ गए, तो ईश्वर ने भी सोचा चलो इनको अनुमति दे दी जाए, ये जोड़ा बना दिया जाए। साजन संग जो आए थे शहनाई लेकर लौट गए, और देने वाले के मन में जो आई लेकर लौट गए। साजन संग जो आए थे शहनाई लेकर लौट गए, और देने वाले के मन में जो आई लेकर लौट गए। उसको सूनी आंख न भाई आंसू की नदियां दे दी, जब हम गए तो क्या हुआ कि उसको सूनी आंख न भाई आंसू की नदियां दे दी, तेरी बिछड़न की ये भरपाई लेकर लौट गए। उसको सूनी आंख न भाई, कि देखिए कि साजन संग जो आए थे शहनाई लेकर लौट गए, और उसको सूनी आंख न भाई तो आंसू की नदियां दे दी, हम तेरी बिछड़न की ये भरपाई लेकर लौट गए, और देने वाले के मन में जो आई लेकर लौट गए। शेर देखिएगा, कि तेरी खुशियां मांगी हमने, अपनी चिंता कहां हमें, प्रेम क्या है वो है, कि तेरी खुशियां मांगी हमने, अपनी चिंता कहां हमें,
अपने कदमों में अपनी परछाई लेकर लौट गए कि तेरी खुशियां मांगी हमने, अपनी चिंता कहां हमें। अपने कदमों में अपनी परछाई लेकर लौट गए और देने वाले के मन में जो आई लेकर लौट गए। कुछ और लोग भी गए थे, कुछ और लोग भी थे लाइन में लगे हुए कि वो शबाब और हुस्न के आगे क्या लेते और क्यों लेते। उनके पास दो आवश्यक चीजें थी कि वो शबाब और हुस्न के आगे क्या लेते और क्यों लेते। मद छलकाती आंखें थी, अंगड़ाई लेकर लौट गए कि वो शबाब और हुस्न के आगे क्या लेते और क्यों लेते। मद छलकाती आंखें थी, अंगड़ाई लेकर लौट गए और देने वाले के मन में जो आई लेकर लौट गए। हमको वो पीनी थी जिसका नशा उम्र भर ना उतरे, हमको वो पीनी थी। कहते एक बचपन में मैंने एक गजल सुनी थी तो उसमें था कि हुस्न वाले शबाब ले आए शेख साहब ने गुलाब ले आए, कुछ एक गजल है, अब इस समय वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है, कि हुस्न वाले शबाब ले आए और शेख साहब ने मांग ली जन्नत, हम वहां से शराब ले आए। तो हमको पीनी थी जिसका नशा उम्र भर ना उतरे, हमने उसने आंखों से जितनी छलकाई लेकर लौट गए। कि हमको वो पीनी थी जिसका नशा उम्र भर ना उतरे, उसने आंखों से जितनी छलकाई लेकर लौट गए और देने वाले के मन में जो आई लेकर लौट गए। शेर देखिएगा कि फटे हुए रिश्तों के चिथड़े उसने अपने पास रखे, विडंबना है ये भी। फटे हुए रिश्तों के चिथड़े उसने अपने पास रखे, हम दिल पर उन हाथों से तुरपाई लेकर लौट गए। फटे हुए रिश्तों के चिथड़े उसने अपने पास रखे, हम दिल पर उन हाथों से तुरपाई लेकर लौट गए और देने वाले के मन में जो आई लेकर लौट गए। और रोती और बिलखती यादें लेकर सागर क्या करते, रोती और बिलखती यादें लेकर सागर क्या करते, सूने मन में हम अपनी तन्हाई लेकर लौट गए। कि रोती और बिलखती यादें लेकर सागर क्या करते, सूने मन में हम अपनी तन्हाई लेकर लौट गए और देने वाले के मन में जो आई लेकर लौट गए। एक मेरी पसंद की गजल है, वो निकालना चाह रही हूं। बहुत सारा लिखा हुआ होता है, उस वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। देखिएगा कि पीढ़ियां राहों में खार उगाएंगी, हम अगर देखें ना तो ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन मैं कितने सालों पहले मैंने ये पढ़ा था कि नशे का जो हालचाल है, आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, दिल्ली से लेकर पंजाब सब जगह का यही हाल है कि पीढ़ियां राहों में खार उगाएंगी और आग पर भी खुद ही चलकर जाएंगी। बहुत सारे कारण हैं उसके, बहुत सारे कारण हैं जिससे हमारी पीढ़ियां हमारे बस में नहीं है। बहुत लोग हैं जो ना तो समय है पीढ़ियों की तरफ ध्यान देने का, जबकि देना चाहिए, क्योंकि आगे वाला जो हमारा भविष्य और उनका भविष्य वो सब उसी पर टिका हुआ है, फिर भी कितने लोग हैं जो ध्यान देते हैं। पीढ़ियां राहों में खार उगाएंगी, आग पर भी खुद ही चल कर जाएंगी। और जानवर की देख कर तहजीब, ये जानवरों में एक नियम कायदा कानून है, बिना किसी किताब, कोई संविधान नहीं बना हुआ उनका, मगर उन्हें पता है कि किधर से जाना है किधर नहीं जाना है। मैंने कितनी बार देखा है, मैं टू व्हीलर चला रही हूं तो भी जानवर अपने हिसाब से चल रहा है, कार चला रही हूं तो भी अपने हिसाब से चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ कूदाफंदी हो रही है कहीं भी, जैसा कि हमारे और दूसरे व्हीकल चलाने वाले किस तरह से चल रहे हैं, जो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कि जानवर की देख कर तहजीब, ये आदमियत देखना शर्म आएगी, और बोझ लादा जाएगा इंसान पर नाक में नकेल डाली जाएगी, बोझ लादा जाएगा इंसान पर और नाक में भी नकेल डाली जाएगी। और लाशें जो मुद्दत से रखी हैं गड़ी मरघटों से खींच लाई जाएंगी, लाशें जो मुद्दत से रखी हैं गड़ी
मरघटों से खींच लाई जाएंगी और यूं गला घोटेंगे खींचेंगे जुबां। आप सियासी लोगों का देख सकते हैं, ताकतवर लोगों का देख सकते हैं कि यूं गला घोटेंगे खींचेंगे जुबां कि सात पुश्ते बेजुबां हो जाएंगी। यूं गला घोटेंगे खींचेंगे जुबां कि सात पुश्ते बेजुबां हो जाएंगी और इतने रौंदे जाएंगे उनके बदन। इंतहा देखे कि इतने रौंदे जाएंगे उनके बदन, रूह तक भी चीथड़े हो जाएंगे। कि इतने रौंदे जाएंगे उनके बदन कि रूह तक भी चीथड़े हो जाएंगी और वो दशानन को पकड़ पाए नहीं, वो दशानन को पकड़ पाए नहीं, उफ सिया को ही सजा हो जाएंगी। वो दशानन को पकड़ पाए नहीं, उफ सिया को ही सजा हो जाएंगी। और जुर्म है फांसी के सूली के खिलाफ, जुर्म है फांसी के सूली के खिलाफ, आदमियत हंस के फिर चढ़ जाएगी। फांसी के और सूली के खिलाफ आदमियत हंस के फिर चढ़ जाएगी और पीढ़ियां राहों में खार उगाएंगी, आग पर भी खुद ही चल कर जाएंगी। एक मेरी नई गजल है, वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। पहले एक भूमिका में दो पंक्तियां आप तक समर्पित कर रही हूं कि शहर भर को आज माते थे वो अपनी धार से, शहर भर को आज माते थे वो अपनी धार से, एक मैं था जो के काटे ना कटा तलवार से। कि शहर भर को आज माते थे वो अपनी धार से, शहर भर को आज माते थे वो अपनी धार से, एक मैं था जो के काटे ना कटा तलवार से। और दिल में रहकर दिल की जब सारी नसें ही काट दी, दिल में रहकर दिल के जब सारी नसें ही काट दी, तो हाल मेरा पूछने आए हो किस अधिकार से। कि दिल में रहकर दिल के जब सारी नसें ही काट दी, हाल मेरा पूछने आए हो किस अधिकार से। और शहर भर को आजमाते थे वो अपनी धार से, एक मैं था जो के काटे ना कटा तलवार से। गजल देखेगा, गजल जैसा कुछ है, आप लोग तो पारखी लोग हैं, तो मैं तो नई कलमकार हूँ, समझिएगा कि मैं गजल कहकर गलती कर रही हूँ, लेकिन भाव तक पहुँचिएगा। कि बिन तुझे रुसवा किए मंदिर से वापस आ गया हूँ, बिन तुझे रुसवा किए मंदिर से वापस आ गया हूँ, जबकि खाली हाथ तेरे दर से लौट आया गया हूँ। बिन तुझे रुसवा किए मंदिर से वापस आ गया हूँ, जबकि खाली हाथ तेरे दर से लौटाया गया हूँ। और पीर पैगंबर संभाले पढ़ चुका सब पोथियां भी। जब आदमी कंफ्यूज होता है, उसे रास्ते की ललक होती है कि मैं जाऊं मगर उसे समझ में नहीं आता है कि किधर जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं, तब वो क्या करता है, देखेगा कि बिन तुझे रुसवा किए मंदिर से वापस आ गया हूँ, जबकि खाली हाथ तेरे दर से लौटाया गया हूँ। और पीर पैगंबर संभाले पढ़ चुका सब पोथियां भी, नाम तेरा लेके हर एक राह भटकाया गया हूँ। पीर पैगंबर संभाले पढ़ चुका हर पोथी सब पोथियां भी, नाम तेरा लेके हर एक राह भटकाया गया हूँ। और बिन तुझे रुसवा किए मंदिर से वापस आ गया हूँ। जिस जगह किस्सा खत्म होगा वहीं आरंभ है, जिस जगह किस्सा खत्म होगा वहीं आरंभ है, मैं तो हूं इतिहास जो हर बार दोहराया गया हूं। जिस जगह किस्सा खत्म होगा वहीं आरंभ है, मैं तो हूं इतिहास जो हर बार दोहराया गया हूं। और बिन तुझे रुसवा किए मंदिर से वापस आ गया हूं। बात जब छेड़ी किसी ने इनकलाब सत्य की, बात जब छेड़ी किसी ने इनकलाब सत्य की, कोई ढूंढे या न ढूंढे मैं वहीं पाया गया हूं। हम जो नई चीजों के पक्षधर होते हैं, परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, ताजगी के पक्षधर होते हैं, क्रांति के पक्षधर होते हैं, बदलाव के पक्षधर होते हैं, उन लोगों को समर्पित करती हूँ ये वाला शेर। कि बात जब छेड़ी किसी ने इनकलाब सत्य की, कोई ढूंढे या न ढूंढे मैं वहीं पाया गया हूं। और बिन तुझे रुसवा किए मंदिर से वापस आ गया हूं। मैं हूं अंगारों का वंशज, नस्ल हूं इस आग की। देखिए, मैं तो मेरे जैसे कई लोग हैं अभी मुझसे जुड़े हुए भी हैं और बाद में भी वीडियो को देखेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई जी और भगत सिंह के वंशज हैं। मैं यही मानती हूं कि हम उनके वंशज हैं,
वो लोग ने संतान नहीं मरे थे, हम उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। कि मैं हूं अंगारों का वंशज, नस्ल हूं इस आग की, भस्म अंगारे जनेगी, जल के कब जाया गया हूं। भस्म भी काम आती है खाद बनाने के। हमें उस तरह का अपना जीवन तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, क्या परिणाम होंगे हमारे। मैं हूं अंगारों का वंशज, नस्ल हूं इस आग की, भस्म अंगारे जनेगी, जल के कब जाया गया हूं, और बिन तुझे रुस्वा किए मंदिर से वापस आ गया हूं, जबकि खाली हाथ तेरे दर से लौटाया गया हूं। मुझको ही गाया हंसे वो हंसकर शहीद हो गए। हमें गान भी तो है, हमें कविताएं तो है स्वयं। हर कवि एक कविता है, हर कवि स्वयं में एक कविता है। अब उसके आचरण पर निर्भर करता है वो किस तरह की कविता है। कोई हास्य का जीवन जीते हैं, हंसते रहते हैं, मस्त रहते हैं, दूसरों को हंसाते रहते हैं, वो हास्य कवि हो जाते हैं। जो प्रेम ही प्रेम लुटाते हैं, दूसरों को प्रेम करना सिखाते हैं, प्रेम क्या है ये बताते हैं, वो प्रेम गीत गाने वाले प्रेम कवि हो जाते हैं। तो मुझको ही गाया हंसे वो हंसकर शहीद हो गए, और उनकी सलामियों के वक्त भी मैं गाया गया। कि मुझको ही गाया हंसे वो हंसकर शहीद हो गए, और उनकी सलामियों के वक्त में गाया गया हूं। और शेर देखिएगा, मेरी पसंद का शेर है इस गजल का, कि मुझको ना मंजूर तेरे तख्त ताज और सल्तनत, मुझको ना मंजूर तेरे तख्त ताज और सल्तनत। सोनू चौधरी जी, आपको विशेष दे रही हूं, आप बड़ी प्रशंसक हैं। एक बार आपने मुझे कहा भी था कि वो महावत हो गया मौसम, लेकिन हर बार वो रह जाता है, मैं क्षमा चाहती हूँ। शेर देखेगा, कि मुझको ना मंजूर तेरे तख्त ताज और सल्तनत, मैं तेरे दरबार में भी खींच कर लाया गया हूँ। कि मुझको ना मंजूर तेरे तख्त ताज और सल्तनत, मैं तेरे दरबार में भी खींच कर लाया गया हूँ, और बिन तुझे रुसवा किए मंदिर से वापस आ गया हूं, जबकि खाली हाथ तेरे दर से लौटाया गया हूं। साथ में जो बने हुए हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि मुझे अच्छा लग रहा है इतने सारे बैठे हैं कविता के सफर में मेरे साथ हैं। बस आप लोगों के कमेंट्स मुझे ऊपर तो दिखाई दे रहे हैं, मगर मुझे मेरे सामने आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे। एक गीत है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले लिखा था, और वो मुझे साकार होता हुआ दिख रहा है। उससे पहले एक कविता भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करती हूँ, जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, शायद 2014 में लिखी थी मैंने वो। कि धर्म हूँ सनातन, सुराज में ही हूँ, किसी की मान्यता का मोहताज नहीं हूँ। भगवान राम क्या कहेंगे यदि वो होंगे, तो वो गीत भी मैंने इसी भाव से लिखा है, और ये कविता भी उसी की है। कि धर्म हूँ सनातन, सुराज में ही हूँ, किसी की मान्यता का मोहताज नहीं हूँ। सुसिद्ध हूँ स्वयंभू, सृष्टि का हूँ जनक, सुसिद्ध हूँ स्वयंभू, सृष्टि का हूँ जनक, शब्द हूँ मैं, वेद हूँ, आवाज में ही हूँ। कि सुसिद्ध हूँ स्वयंभू, किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है कि वो राम को माने या ना माने, या उनके होने का प्रमाण दे या ना दे, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को किसी की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा को किसी की आवश्यकता नहीं है, पृथ्वी को किसी की आवश्यकता नहीं है, और आसमान को किसी की आवश्यकता नहीं है। आप माने या ना माने, आप यदि उन्हें नहीं मानते तो वो भी कोई ज्यादा मानने वाले नहीं। हमारे उधर सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक कहावत है कि भैरव जी तेरे तेल के चूरमे को क्या समझते हैं, तुरख तेरा चूरमा, तो उसके देसी घी का चढ़ाने वाले बहुत लोग हैं। आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते से कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर आपको मानता है कि नहीं मानता है उससे फर्क पड़ता है। तो सुसिद्ध हूं स्वयंभू, सृष्टि का हूं जनक, शब्द हूं मैं, वेद हूं, आवाज में ही हूं, किसी की मान्यता का मोहताज नहीं हूं। आदि हूं अंत भी मैं, क्षितिज दिगंत भी मैं, अंबर का और धरती का आधार में ही हूं। आदि हूं अंत भी मैं, क्षितिज दिगंत भी मैं, अंबर का और धरती का आधार में ही हूं। करता हूं दंड निश्चित अज्ञानता का मैं ही, करता हूं दंड निश्चित अज्ञानता का मैं ही रिहाई भी हूं कारागार में ही हूं। कि करता हूं दंड निश्चित अज्ञानता का मैं ही रिहाई भी हूं कारागार में ही हूं। और मुझसे ही जन्म सबका यमराज पाश में ही, मुझसे ही जन्म सबका यमराज पाश में ही, जीवन के बाहर भी तरार पार में ही हूं।
मुझसे ही जन्म सबका, यमराज पाश में ही, जीवन के बाहर भीतर आर पार में ही हूँ, किसी की मान्यता का मोहताज नहीं हूँ। ये हार जीत में ही, आशा निराश में ही, जीवन के हानि लाभ और बाजार में ही हूँ। ये जीत हार में ही, आशा निराश में ही, जीवन के हानि लाभ और बाजार में ही हूँ। जन्म पलन मरण सब कुछ मेरी मुट्ठी में, जन्म पलन मरण सब कुछ मेरी मुट्ठी में, कणकण छवि मेरी, कणकण छवि मेरी, भूखा श्रृंगार में ही हूँ, और किसी की मान्यता का मोहताज नहीं हूँ। सुसिद्ध हूँ स्वयंभू, सृष्टि का हूँ जनक, शब्द हूँ मैं, वेद हूँ, आवाज में ही हूँ, और धर्म हूँ सनातन, सुराज में ही हूँ, किसी की मान्यता का मोहताज नहीं। एक भगवान राम पर यह गीत लिखा हुआ है, मेरा मन है कि मैं उसे पढ़ूं। चार पंक्तियां देखिए, अभी अभी खबर आई है, हम सभी के लिए खुशी की खबर है, पूरे विश्व के लिए खुशी की खबर है। मेरा हिसाब जहां तक है, मैं जितना समझती हूँ कि राम और कृष्ण को जितना हिंदुस्तान मानता है, जितना भारत में जितनी मान्यता है, जितना पूजित हैं वो, उतना ही पूरे विश्व में उनकी मान्यता है, वो पूजित हैं। वरना हम विदेशों से हरे रामा हरे कृष्णा जो बोल भी नहीं पाते हैं, आप उनका सुनेंगे तो आरे रामा आरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन उनकी जो भाव है, जो भक्ति है, उसमें कहीं भी कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि उच्चारण तो हम भी कर देते हैं। चार पंक्तियां सुनेगा, बहुत पहले लिखी हुई है भी, कि मत मानो तुम रघुबर को, रघुबीर स्वयं मनवा लेंगे। मत मानो तुम रघुबर को, रघुबीर लेंगे, फड़क उठेंगे बाजू सबके, मुट्ठी भी तनवा लेंगे, अहंकार तोड़ेंगे तुम्हारा, नींव रखेंगे मंदिर के। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बहस हुई हुई है कई बार पब्लिक पोस्ट पर, कि मंदिर कब बनेगा, मंदिर ये नहीं बना रहा, वो नहीं बना रहा। मैंने हमेशा एक बात कही है, अगर उनमें से कोई लोग जुड़े हुए हैं तो वो समझते हैं इस बात को, और बाद में देखेंगे तो वो याद करेंगे, किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो खेल रहे हैं, वो प्रभु हैं, उनका मंदिर बनाने की कहा। जब हम अपना घर बनाने की बात करते तो कहते हैं भगवान मेरा घर बन जाए, मेरी ऐसी इच्छा है, तो उसके घर बनाने की हमारी क्या योग्यता है। कण कण है उनका मंदिर, लेकिन वो मजे ले रहे हैं। स्वयं ईश्वर चुनता है कि मेरा कौन सा काम मैं किसके द्वारा करवाना चाहता हूं, वो इंतजार कर रहे हैं, जिसके हाथ में यश लिखा होगा, इतिहास में जिसका नाम लिखा जाएगा कि इनके हाथ से ये काम हुआ, वो उसे चुनता है ईश्वर। मत मानो तुम रघुबर को, रघुबीर स्वयं मनवा लेंगे, फड़क उठेंगे बाजू सबके, मुट्ठी भी तनवा लेंगे, अहंकार तोड़ेंगे तुम्हारा, नींव रखेंगे मंदिर की। तुमसे ने बन पाया तो राम स्वयं मनवा लेंगे, कि अहंकार तोड़ेंगे तुम्हारा, नींव रखेंगे मंदिर की। तुमसे न बन पाया तो राम स्वयं बनवा लेंगे, फड़क उठेंगे बाजू सबके, मुट्ठी भी तनवा लेंगे। और सिंहासन लगता हो या फिर तंबू में बैठे हो, सिंहासन लगता हो या फिर तंबू में बैठे हो, इस देश का सच सच इतना सा है, इसे राम चलाते हैं। कि तंबू में बैठे हो, सिंहासन लगता हो या फिर तंबू में बैठे हो, इस देश का सच इतना सा है, इसे राम चलाते हैं। और इसीलिए मुझे कभी, मैं शायद ही किसी को याद होगा कि मैंने कभी किसी को ऐसी पोस्ट करी है, या कोई कमेंट आया है, या मैंने किसी से कोई बात की है कि अरे राम का मंदिर, राम की चिंता। मुझे कभी भी लगा नहीं था कि कोई आवश्यकता है उसके। मेरा एक गीत है, मैं तहत में ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं क्योंकि लंबा हो जाएगा उसको गाने से, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं पढ़ती हूँ। कि अनबूझे अनजाने अंतर मन की सारी व्यथा लिखेंगे। एक राम है जिन पर बहुत प्रश्न उठाए गए, बहुत सवाल पूछे गए, बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए हैं उनके ऊपर। तो अब क्या हो रहा है कि अनबूझे अनजाने अंतर मन की सारी व्यथा लिखेंगे, और राम ने ठान लिया है कि वे स्वयं राम की कथा लिखेंगे। इतने सवाल राम कथा पर, जो हमारे देश का आधार है, कण कण में हम मानते हैं कि राम है, पूरा विश्व मानता है कि राम का देश है, कृष्ण का देश है, फिर भी इतने सवाल राम कथा पर सवाल, तो तकलीफ है हमसे ज्यादा उन्हें तकलीफ है। कि अनबूझे अनजाने अंतर मन की सारी व्यथा लिखेंगे, और राम ने ठान लिया है कि वे स्वयं राम की कथा लिखेंगे। बंद देखेगा, कि कुटिल कुतर्कों की कसौटियों पर मर्यादा कसने वालों। एक तरफ आप उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कह रहे हैं, और उनके मर्यादाओं पर आप कुटिल तर्क भी दे रहे हैं, ऐसा चलता नहीं है, और अब राम चलने नहीं देंगे, मेरी ऐसी मान्यता है।
कि कुटिल कुतर्कों की कसौटियों पर मर्यादा कसने वालों, रसना के रस के रसिकों और निंदा ग्राम में बसने वालों। सिर्फ चटकारे लेने वाले लोग हैं वो राम की बात ना करें जो चटकारे लेने वाले हैं, जिन्हें सिर्फ बातों का रस चाहिए। कि कुटिल कुतर्कों की कसौटियों पर मर्यादा कसने वालों, रसना के रस के रसिकों और निंदा ग्राम में बसने वालों, जिसे अमिट समझा है तुमने राम बाण से उसे मिटाकर, जिसे अमिट समझा है तुमने राम बाण से उसे मिटाकर, जथा हृदय पर उनके बीती तथ्य सहित वो यथा लिखेंगे। जिसे अमिट समझा है तुमने राम बाण से उसे मिटाकर, जथा हृदय पर उनके बीती तथ्य सहित वो यथा लिखेंगे। और राम ने ठान लिया है कि वे स्वयं राम की कथा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कि आदर्शों की बलि वेदी पर आधा अंग बचेगा कैसे? आप यदि राम और सीता को आधा अंग एक दूसरे का पूरक मानते हैं तो ऐसा कैसे संभव है कि मेरा दायां शरीर जल रहा हो और बायां भाग बच जाए? संभव ही नहीं है ये। तो आदर्शों की बलिवेदी पर आधा अंग बचेगा कैसे? पति पत्नी हैं अलग अलग, ये कथ्य किसी को जचेगा कैसे? सीता की बात आप अलग कर रहे हैं, राम की बात आप अलग कर रहे हैं, राम और सीता अलग अलग कहां हैं? आप कौन है करने वाले? वो हैं कुटिल कुतर्क। तो बात यदि करें तो जब राधा और कृष्ण एक साथ हैं तो राम और सीता अलग कैसे हो गए हैं? आदर्शों की बलिवेदी पर आधा अंग बचेगा कैसे? पति पत्नी हैं अलग अलग, ये कथ्य किसी को जचेगा कैसे? देह राम है सिया आत्मा, देह राम है सिया आत्मा, देह आत्मा त्याग भी देगी। कि देह राम है सिया आत्मा, देह आत्मा त्याग भी देगी, किंतु एक पत्नी व्रत धारण की भी वो ही प्रथा लिखेंगे। देह राम है सिया आत्मा, देह आत्मा त्याग भी देगी, किंतु एक पत्नी व्रत धारण की भी वो ही प्रथा लिखेंगे। और राम ने ठान लिया है कि वे स्वयं राम की कथा लिखेंगे। अनबूझे अनजाने अंतर मन की सारी व्यथा लिखेंगे। अनबूझे, जिसे किसी ने बूझने की कोशिश नहीं की, पहेली की तरह हो गया। अनजाने, जिसे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। राम के बारे में हम वक्तव्य दे रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अनबूझे अनजाने अंतर मन की सारी व्यथा लिखेंगे। और राम ने ठान लिया है कि वे स्वयं राम की कथा लिखेंगे। नहीं चाहते राम कोई भी तुलसीदास या वाल्मीकि हो, नहीं चाहते। राम कथा पर प्रश्न, राम चरित्र पर, राम मर्यादा पर प्रश्न, तो वो कैसी कथा है जिसमें प्रश्न छूट जाए? वो देश की सबसे बड़े ग्रंथ के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में कैसे मान्यता मिलनी चाहिए उसको? ऐसा राम की पीड़ा है। कि नहीं चाहते राम कोई भी तुलसीदास या वाल्मीकि हो, प्रश्न खड़े आदर्श कथा पर, फिर आखिर किस लिए लिखी हो? और दुष्कर बुद्धि दुर्विवेक से अपने मन का अर्थ न खोजो, दुष्कर बुद्धि दुर्विवेक से अपने मन का अर्थ न खोजो, है नवनीत ये सत्य सनातन, अक्षर अक्षर मथा लिखेंगे। कि नहीं चाहते राम कोई भी तुलसीदास या वाल्मीकि हो, प्रश्न खड़े आदर्श कथा पर, फिर आखिर किस लिए लिखी हो? और दुष्कर बुद्धि दुर्विवेक से अपने मन का अर्थ न खोजे, है नवनीत ये सत्य सनातन, अक्षर अक्षर मथा लिखेंगे। और राम ने ठान लिया है कि वे स्वयं राम की कथा लिखेंगे। शक्ति मद में सागर उफना तो अमोघ संधान भी होगा। राम को सब मर्यादा पुरुषोत्तम मानते तो ऐसे समझते हैं साहब बहुत ही दया के धाम है। दया के धाम सबके लिए नहीं है, वो दुष्ट बुद्धि के लिए, दुष्ट कर्मा के लिए। वो कब, कोई भी ईश्वर कभी भी भोलेनाथ को देखिए, वो कब प्रचंड हो जाए, कब तांडव शुरू कर दें, कब वो महाकाल का विकराल रूप धारण कर लें, ये सब आपके कर्मों पर आधारित है। आप उनको किस रूप में देखना चाहते हैं वही काम कीजिए। कि शक्ति में सागर उफना तो अमोघ, शक्ति मद में सागर उफना तो अमोघ संधान भी होगा। अहंकार भीषण है बीमारी जिसका सफल निदान भी होगा। कर्म तुला पर राम दशानन साथ साथ में लिखने वालों। रामायण या रामचरितमानस आप जिसको भी पढ़े, राम और कृष्ण, राम और रावण की कथा ना कहें उसे। सब लोगों को लगता है कि राम और रावण की कथा है वो। कि शक्ति मद में सागर उफना तो अमोघ संधान भी होगा। अहंकार भीषण है बीमारी उसका सफल निदान भी होगा। कर्म तुला पर राम दशानन साथ साथ में लिखने वालों। सत्य मिथ्य व पाप पुण्य के मध्य राम जी तथा लिखेंगे। दो शब्द जब लिखे जाएं विपरीत तो रात तथा दिन लिखा जाना चाहिए, सत्य तथा असत्य लिखा जाना चाहिए। कि कर्म तुला पर राम दशानन साथ साथ में लिखने वालों, सत्य मिथ्य व पाप पुण्य के मध्य राम जी तथा लिखेंगे।
और अनबूझे अनजाने अंतर मन की सारी व्यथा लिखेंगे। राम ने ठान लिया है कि वे स्वयं राम की कथा लिखेंगे। एक राजस्थानी मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। हाँ अभी तो थोड़ा सा टाइम है, 15 मिनट है। मुझे कुछ बताया जाए लिख करके कि मैं कब तक पढ़ूं। एक राजस्थानी की मायड़ भाषा की एक रचना है, वो आप तक तो पहुंचाती हूँ। कि अपनायत की गर्दन काटी, अपनायत की गर्दन काटी, नागी तलवार गुया की कर। अपनायत की गर्दन काटी, नागी तलवार हुया की कर। खुद का ही घर ने बाल लियो, अतरा होशार हुया की कर। अपनायत की गर्दन काटी, नागी तलवार हुया की कर। खुद का ही घर ने बाल लियो, अतरा होशार हुया की कर। और देखेगा, माँ बहन बेटियां पर झपट्या, छोरा क्यों डाकी हो ये गया। जो बालिकाएं बच्चियां महिलाएं असुरक्षित हैं उन सबको मैं लक्ष्य करके बात कर रही हूं। माँ बहन बेटियां पर झपट्या, छोरा क्यों डाकी हो ये गया। क्यों मार मार कर पटके हैं, क्यों मिनख जमारो खोए। मेल्या तो हा गुण संस्कार, सारा बेकार हुया की कर। अपनायत की गर्दन काटी, नागी तलवार हुया की कर। अगली पंक्तियां देखिए, किस दूसरा दृश्य प्रस्तुत कर रही हूं। देखिएगा कि सब देश नोच कर खाए गया, मिन खारी कदर रही कौनी। सब देश नोच कर खाए गया, मिन खारी कदर रही कौनी। बाजू ने बाजू काट गयो, काना ने खबर हुई कौनी। सब देश नोच कर खाए गया, मिन खारी कदर रही कौनी। बाजू ने बाजू काट गयो, काना ने खबर हुई कौनी। बॉर्डर सारो ही कठे गयो, बॉर्डर सारो ही कठे गयो। गिदड़िया नार हुया की कर। खुद का ही घर न बाल लियो, अतरा होशार हुया की कर। खुद का ही घर न बाल लियो, अतरा होशार हुया की कर। हर चीज बिकाओ कर काड़ी, मिन खासू ले ईमान तलक। हर चीज बिकाओ कर काड़ी, ई मन खासू ले ईमान तलक। माटी रा भाव लगा काड़िया, कण कण बेचो आकाश तलक। देखिए जो माफिया चल रहे हैं ना, ये उनकी बात कर रही हूं मैं। हर चीज बिकाऊ कर काढ़ी, मिन खासू ले ईमान तलक। माटी रा भाव लगा काड़िया, कण कण बेचो आकाश तलक। सब जीम झूठ अर नकी करो, सब जीम झूठ अर नकी करो। भूखा बाजार हुया की कर। सब जीम झूठ अर नकी करो, भूखा बाजार हुया की कर। खुद का ही घर न बाल लियो, अतरा होशार हुया की कर। खुद का ही घर न बाल लियो, अतरा होशार हुया की कर। और कुछ विडंबना देखेगा कि मिनखा में ढांडा पनपरिया, मिनखा में ढांडा पनपरिया, आदम ने मार भगायो है। हम बात करते रहते हैं कि इंसान है, इंसानियत नहीं है, आदमी है, आदमियत नहीं है। बात वहीं लेकर जा रही हूं कि मिनखा में ढांडा पनपरिया, आदम ने मार भगायो है। ए खून पीव और मांस खाए, गिद्धा ने पाछे राख्यो है। मिनखा में ढांडा पनपरिया, आदम ने मार भगायो है। ए खून पीव और मांस खाए, गिद्धा ने पाछे राख्यो है। ए कुण को झूठो पी आया, ए कुण को झूठो पी आया, अतुरा खूंखार हुया की कर।
ऐ कुण को जूठ्यो पी आया, अत राखू खार हुया की कर, खुद का ही घर न बाल लियो, अत राहू शार हुया की कर, खुद का ही घर न बाल लियो, अत राहू शार हुया की कर। ऐ जात धर्म रो नाम ले, अंतिम पंक्तियां हैं, ए जात धर्म नो नाम ले, आपस में लड़ता डोले हैं। देखिए, हम नाम किसी और चीज का लेते हैं, बाकी वो जहर हमारे ही अंदर होता है, हम किसी और चीज के माध्यम से उसे बाहर निकालते हैं। वो कुंठा है, वो अपने आप को कम समझना है, अपने आप को कमतर समझना है, सामने वाले से एक नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है, अघोषित बिना मतलब की, वो है उसका कारण। ना जात है ना धर्म है, हमारे मन का जो एक विष है ना वो है। ए जात धर्म रो नाम ले, आपस में लड़ता डोले हैं, सगला दो जाने झूठ समझ, बस खुद ने साचो बोले हैं। वो राम भाग गयो धरती सो, वो राम भाग गयो धरती सो, पापी अवतार हुया की कर, वो राम भाग गयो धरती सु, पापी अवतार हुया की कर, खुद का ही घर न बाल लियो, अत राहू शार हुया की कर, खुद का ही घर न बाल लियो, अत राहू शार हुया की कर। अपनायत की गर्दन काटी, नागी तलवार हुया की कर, खुद का ही घर ने बाल लियो, अत राहू शार हुया की कर। समय हो चुका है जितना मुझे समय दिया गया था, तो मैं अभी वैसे 10 जने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर देखिए जब तक श्रोता और दर्शक सामने रहेंगे तो मेरा मेरी जिम्मेदारी बनती है माँ सरस्वती को समर्पित कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। कि शब्द ताल सुर भाव हजारों, शारद का संसार अजब, शब्द ताल सुर भाव हजारों, शारद का संसार अजब, गीत कविता छंद बंद का, सजा हुआ दरबार अजब। शब्द ताल सुर भाव हजारों, शारद का संसार अजब, गीत कविता छंद बंद का, सजा हुआ दरबार अजब। कब मन से कोई गीत सरिता बह जाए किसको है पता, क्योंकि वो आदेशित करती है तब ऐसा होता है। कब मन से कोई गीत सरिता बह जाए किसको है पता, भेद अनोखा शब्द कोई कब कह जाए किसको है पता, खोल पोटली भावों वाली जाने कब, जाने कब सम्मुख रख दे, खोल पोटली भावों वाली जाने कब सम्मुख रख दे, जाने कब वो कलम में रख दे, शब्द सरल और भाव अजब। कि खोल पोटली भावों वाली जाने कब सम्मुख रख दे, और जाने कब वो कलम में रख दे, शब्द सरल और सार अजब, गीत कविता छंद बंद सजा हुआ दरबार अजब, शब्द ताल सुर भाव हजारों, शारद का संसार अजब। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मुझे बताएं आप, रामेंद्र कुमार जी और जो अभी मुझ तक मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिवादन करती हूँ। अब जब तक मुझे आदेश नहीं किया जाएगा कि मैं बस करूँ, रहने दूँ, तब तक मुझे पढ़ना चाहिए। चार पंक्तियाँ कुछ पीड़ा की लेकर आती हूँ। कि घाव के नीचे लहू मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा पंक्तियां वरना तारतम्य टूट जाएगा। कि घाव के नीचे लहू मिलेगा, लहू के नीचे पस होगी, घाव के नीचे लहू मिलेगा, लहू के नीचे पस होगी, पस में कीड़े पड़े हुए हैं, घाव खोलकर देखो तो। लहू मिलेगा, लहू के नीचे पस होगी, पस में कीड़े पड़े हुए हैं, घाव खोलकर देखो तो। और झूठ और षड्यंत्रों के नीचे है दबा मरा कब से, झूठ और षड्यंत्रों के नीचे है दबा मरा कब से, शायद सांसें लौट भी आए, सच के हक में बोलो तो। झूठ और षड्यंत्रों के नीचे है दबा मरा कब से, शायद सांसें लौट भी आए, सच के हक में बोलो तो।
वरना घाव के नीचे लहू मिलेगा, लहू के नीचे पस होगी। घाव खोल कर देखो तो चार पंक्तियां देखेगा कि जो मैं विशेष रूप से आशा की देकर जाती हूं कि खुशियों की चाहतों की आहटें संभाल कर, खुशियों की चाहतों की आहटें संभाल कर रखना तू अपनी मुस्कुराहटें संभाल कर, नाचने गाने का भी आएगा एक दिन, नाचने गाने का भी आएगा एक दिन, तू कंठ में रख गुनगुनाहटें संभाल कर। मैं कोरोना काल को भी इसमें शामिल करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक चीज की वजह से इतनी बड़ी जिंदगी रुक जाती है, कभी नहीं रुकती है। जरूरत इसी की है कि नाचने गाने का भी आएगा एक दिन, तू कंठ में रख गुनगुनाहटें संभाल कर। जब आपके गाने का वक्त आए तब कहीं आपका गला खराब ना हो चुका हो कि आपने सांस संभाल नहीं की, तो अपनी गुनगुनाहटों को बचा कर रखिएगा और सकारात्मक रहिएगा, आशावान रहिएगा। एक जैसा समय कभी नहीं रहा, किसी की जिंदगी में नहीं रहा, तो आपको आशावान रहना चाहिए। अब मेरे समझ में नहीं आ रही है, 14 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। चलिए कुछ बात करते हैं कि कौन कर रहा है क्या धंधा किसे पता, कौन यहां है किसका बंदा किसे पता। आप समझ गए होंगे कि मैं राजनीति की बात कर रही हूं। कौन कर रहा है क्या धंधा किसे पता, कौन यहां पर किसका बंदा किसे पता, और सब बैठे हैं एक दूजे के कंधों पर, सब बैठे हैं एक दूजे के कंधों पर, कौन है लंगड़ा कौन है अंधा किसे पता। सब बैठे हैं एक दूजे के कंधों पर, कौन है लंगड़ा कौन है अंधा किसे पता, और कौन यहां पर किसका बंदा किसे पता। जीत सकते हैं जगत सद्भावना से, जीत सकते हैं जगत सद्भावना से, जियो और जीने दो की प्रस्तावना से। जीत सकते हैं जगत सद्भावना से, जियो और जीने दो की प्रस्तावना से, और नफरतों के हाथ मर सकती है दुनिया, नफरतों के हाथ मर सकती है दुनिया, है किसे इनकार इस संभावना से। तो नफरतों को दिल से निकालिए, मोहब्बतों का रास्ता अपनाइए, भाईचारे का रास्ता अपनाइए, प्यार से रहें। जिंदगी कितनी बड़ी है, कोरोना ने कम से कम ये तो हमें सिखाई दिया है कि कितनी बड़ी है आखिर जिंदगी, कुछ पता नहीं है। और जितने भी लोग हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ ईश्वर से कि वो सबकी रक्षा करें, देश विदेश सभी जगह पर। मैं इंसानियत की रक्षा करने के लिए, इंसानों की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। कुछ मेरे मन का पढ़ना चाह रही थी, मरेगी सारी मानवता घृणा नफरत की वृष्टि में, मरेगी सारी मानवता घृणा नफरत की वृष्टि में, अजर है और अमर है बस सनातन सत्य सृष्टि में। भुला दो तुम सभी धर्मों को मजहब और जाति को, भुला दो तुम सभी धर्मों को मजहब और जाति को, महज मानव धर्म ही श्रेष्ठ है मालिक की दृष्टि में, महज मानव धर्म ही श्रेष्ठ है मालिक की दृष्टि में। मरेगी सारी मानवता घृणा नफरत की वृष्टि में, और दया ममता समर्पण और क्षमा जब रीत है तेरी, दया ममता समर्पण और क्षमा जब रीत है तेरी, प्रभु चरणों से है अनुराग उत्तम प्रीत है तेरी, करे तू मन वचन और कर्म से बस धर्म का पालन। दया ममता समर्पण और क्षमा जब रीत है तेरी, प्रभु चरणों से है अनुराग उत्तम प्रीत है तेरी, करे तू मन वचन और कर्म से बस धर्म का पालन। चला चल सत्य की राहों में निश्चित जीत है तेरी, चला चल सत्य के राहों पे निश्चित जीत है तेरी, जब दया ममता समर्पण और क्षमा प्रीत है तेरी। और दो पंक्तियां देखेगा कि विजय माल जिसके गले में पड़ी है, विजय माल जिसके गले में पड़ी है,
वो रोशनी अंधेरे से जम के लड़ी है। विजय माल जिसके गले में पड़ी है, वो रोशनी अंधेरे से जम के लड़ी है। और आंधियों से बारिशों से जीतना क्या खेल था, आंधियों से बारिशों से जीतना क्या खेल था, वो जला जूझा निरंतर जिस दिए में तेल था। कि आंधियों से बारिशों से जीतना क्या खेल था, वो जला जूझा निरंतर जिस दिए में तेल था। और दो पंक्तियां मेरी पसंद की हैं, तेरी राह कैसे थाम लूं, तेरी राह कैसे थाम लूं, जब आप अपना पंथ हूं, तेरी राह कैसे थाम लूं, जब आप अपना पंथ हूं, तू तो लिबास से है मगर, तू तो लिबास से है मगर, मैं आत्मा से संत हूँ, तू तो लिबास से है मगर, मैं आत्मा से संत हूँ, तेरी राह कैसे थाम लूं, जब आप अपना पंथ। मैंने मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई हैं, बहुत ही बढ़िया कलमकार, उत्तम उत्कृष्ट कोटि के कलमकार हैं, बड़े भाई लोकेश महाकाली जी। मुझे पता नहीं है कि वो भी हैं या नहीं, इसे देख रहे नहीं, लेकिन उन्हें मैंने वादा किया था कि मैं प्रेम गीत पढ़ूंगी। अभी माँ सरस्वती की कृपा हुई और कोरोना काल में मुझसे प्रेम गीत लिखवाए उन्होंने, उन्हें वरदान दिया, आदेशित किया, यूँ कहिए कि मुझे तोहफा दिया है। तो एक गीत है मेरा लोकेश भाई जी, मैं आप ही को समर्पित कर रही हूँ उसके। मैं चाहती तो हूँ कि मैं इसे लय में गाना चाहती हूँ, लेकिन बंद ज़्यादा हैं तो मैं पढ़ रही हूँ। मेरी इच्छा यह है कि मैं इसका अलग से एक वीडियो बना करके मेरी प्रोफाइल पर पोस्ट करूं, जिसमें मैं तरन्नुम के साथ इसे गाऊं। मैं ये प्रेम गीत सुना करके और अभी काव्य पाठ से आपसे इजाजत लूंगी। मन तो हो रहा है गाने का, कि तूने अपनाया नहीं और वो किसी की हो ना पाई। मैंने ना तो ये गीत पोस्ट किया है, आज पहली बार पढ़ रही हूं, और चूंकि मैंने बड़े भाई से वादा किया था तो आज सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं अभी और बाद में जो देखेंगे मुझे बताएंगी कि गीत कैसा बन पड़ा है। कि तूने अपना आया नहीं और वो किसी की हो न पाई, चिर विरह में एक बंजारन भटकती फिर रही है। कि तूने अपना आया नहीं और वो किसी की हो न पाई, चिर विरह में एक बंजारन भटकती फिर रही है। मैं कुछ मेरे पसंद के जो हैं वही बंद आप तक पहुंचा रही हूं। कि अग्नि जन्मा अग्नि पुंजों से मिटाती है अगन को, एक बिरहन जो मैं अपने भीतर महसूस करती हूं और उस बिरहन को मैं जीती हूं, उसके लिए ही मैंने लिखा है। और आप दृश्य देखिएगा कि अग्नि जन्मा अग्नि पुंजों से मिटाती है अगन को, सूर्य की गोदी में रख आई है वो अपनी तपन को। अग्नि जन्मा अग्नि पुंजों से मिटाती है अगन को, सूर्य की गोदी में रख आई है वो अपनी तपन को। सूर्य जलता और धधकता उसकी पीड़ा में युगों से, सूर्य जलता और धधकता उसकी पीड़ा में युगों से, पुनर्जन्म की कामना में भस्म करती इस जन्म को। और लाखों व्रत उपवास झूठे अर्थहीना हर तपस्या, लाखों व्रत उपवास झूठे अर्थहीना हर तपस्या, थी सहोदर सांस की उम्मीद वो भी खिर रही है। थी सहोदर सांस की उम्मीद वो भी खिर रही है, और चिर विरह में एक बंजारन भटकती फिर रही है। बंद देखिएगा, मेरे पसंद पसंद के ही मैं अभी तीन बंद चाहती हूँ, हो सका तो चौथा भी मैं पढ़ूंगी। पांच छह बंद, छह सात बंद है इसके।
कि अब देखिए कि वो जो चिर विरहन का जो मैं बंजारन की बात कर रही हूँ, मैंने कुछ नए तरीके से लिखने की कोशिश करी है। मैं तो क्या मातेश्वरी ने कुछ दिया है कि देखिए, प्रेम एक छूत का रोग है, प्रेम छूत का रोग है। जब भी किसी कोई अपने प्रेम की बात करेगा, अपने प्रेमी की बात करेगा, अपनी प्रेमिका की बात करेगा, तो स्वतः ही हमें अपना प्रेम याद आ जाता है, चाहे वो कितने बरसों पुराना हो, बचपन का हो, चाहे से वो अभी हमारे मन में कहीं स्थापित हो। तो और आपने सुना होगा कि अरे उसके साथ नहीं रहना, वो तो इस तरह का है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि प्रेम करने वाले के साथ रहेंगे तो वो छूत का रोग हमें भी लग जाएगा। तो देखिएगा, कि आंसुओं के गांव में है एक डेरा जोगनी का, आंसुओं के गांव में है एक डेरा जोगनी का, नाम तक लेता नहीं कोई प्रेम की उस रोगनी का। उससे बात करना, संबंध रखना तो दूर की बात है, उसका नाम भी नहीं लेना, जिक्र करना भी पसंद नहीं करते लोग। कि आंसुओं के गांव में है एक डेरा जोगनी का, नाम तक लेता नहीं कोई प्रेम की उस रोगनी का, गात सूखे पात जैसा मन में वन कोई विकट है, गात सूखे पात जैसा मन में वन कोई विकट है, सांस है बेआस जैसे अंत का आदि निकट है। अंत की शुरुआत हो गई है उसकी, कि गात सूखे पात जैसा मन में वन कोई विकट है, सांस है बेआस जैसे अंत का आदि निकट है, और वेदनामयी पलक उसकी पालती खारा समंदर, वेदनामयी पलक उसकी पालती खारा समंदर, अपराजित मन के अंधियारों में बिरहन घिर रही है। वेदनामयी पलक उसकी पालती खारा समंदर, अपराजित मन के अंधियारों में बिरहन घिर रही है, और चिर विरह में एक बंजारन भटकती फिर रही है। एक बंद और देखिएगा, लोकेश भाई जी और मेरा भाई तपेंद्र शेखावत तपन, जो कि इसका पहला श्रोता है मेरी कविताएं, जो मैं कुछ मुझे लगता है कि हाँ मुझे किसी को सुनानी चाहिए, पूरी हो गई है तो मैं सबसे पहले उसे ही सुनाती हूँ। मेरा छोटा भाई है डॉक्टर तपेंद्र शेखावत तपन, बहुत अच्छा ओज का कवि है, बहुत तीखा कलमकार है। लोकेश महाकाली जी और भाई साहब और तपन सुने, अब बात हमने करी थी रोगनी की, तो संबंधित बंद है कि वैद्य भी विक्षिप्त तो उसका बीहड़ों में वन बिताए। अगर कोई रोगनी है तो पक्का उसका इलाज करने वाला भी कोई होगा, कोई वैद्य भी होगा ही होगा। तो देखिए कि जितनी पागल जितनी जिद्दी है रोगनी, उतना ही उसका विक्षिप्त है उसका वैद्य। क्यों विक्षिप्त है, बंद देखिएगा, कि वैद्य भी विक्षिप्त तो उसका बीहड़ों में दिन बिताए। क्यों विक्षिप्त है और क्यों दिन बिताता है बीहड़ों में, वैद्य भी विक्षिप्त तो उसका बीहड़ों में दिन बिताए, पूर्ण चंद्रा निशि मिले तो औषधि कुछ ढूंढ लाए। वो दिन भर इसलिए भटकता है कि रात को वहां पर कोई ना कोई औषधि उसके लिए मिल जाएगी। यदि मैं समय से ना पहुंचा तो उस जिद्दी रोगिणी का मैं चिकित्सा नहीं कर पाऊंगा। कि वैद्य भी विक्षिप्त तो उसका बीहड़ों में दिन बिताए, पूर्ण चंद्रा निशि मिले तो औषधि कुछ ढूंढ लाए। रोगिणी का प्रण यही है रोग, कि रोगनी का प्रण यही है रोग पालूं प्राण प्रण से, और वैद्य का संकल्प है कि रोगणता उसकी मिटाए। कि वैद्य भी विक्षिप्त तो उसका बीहड़ों में दिन बिताए, पूर्ण चंद्रा निशि मिले तो औषधि कुछ ढूंढ लाए। रोगनी का प्रण यही है रोग पालूं प्राण प्रण से, और वैद्य का संकल्प है कि रोगणता उसकी मिटाए। और चंद्रमा है वेदना के क्षोभ से आधा अधूरा, चंद्रमा है वेदना के क्षोभ से आधा अधूरा, चांदनी की उजली चूनर हर कहीं से चिर रही है। चंद्रमा है वेदना के क्षोभ से आधा अधूरा, चांदनी की उजली चूनर हर कहीं से चिर रही है, और चिर विरह में एक बंजारन भटकती फिर रही है। और मातेश्वरी का आदेश हुआ तो, और आप लोगों का आदेश हुआ तो, जल्दी ही पूरा गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। बात जहां से शुरू करी थी वहां पर ही खत्म करूंगी, उस को पूर्ण करते हुए गीत आप तक पहुंचाऊंगी। आज मैं पूरा समय ले चुकी हूं और अधिक समय ले चुकी हूं, 9:45 मुझे बताया गया था। आप सभी लोग अभी भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूं और बहुत आभार धन्यवाद आपका, फिर से स्वागत करती हूं। जब मैं फिर से आपको पुकारूं, आपको बुलाऊं, आपसे आग्रह करूं फिर से कविता सुनने के लिए आने का, तब से फिर साथ बने रहिएगा। और जन सरोकार मंच टोंक से मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद मुझे अपनी बात अपनी कविता आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के लिए।
और स्वस्थ रहें, घर में रहें, अपने परिवार को बचा कर रखें और देश के इस संकट की जो स्थिति है देश के लिए उसमें इतना सा योगदान दें कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं वीणा शर्मा सागर राजस्थान से आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।